Hey, what's up guys, welcome to my channel and welcome back to on my new video. बहुत ठंड हो रही है. सो टुडे वी आर गोइंग टू ड्रॉ लता मंगेशकर जी. सो अ स्मॉल ड्राइंग जो हम लोग ट्रिब्यूट करने वाले हैं लता मंगेशकर जी को. सो इस ड्राइंग में हम लोग यूज़ करने वाले हैं डोम्स कलर, क्योंकि बहुत दिन से मैं सोच रहा था कि डोम्स कलर को भी रिव्यू किया जाए. सो इस ड्राइंग में हम लोग डोम्स कलर को भी रिव्यू करने वाले हैं कि ये कलर कैसा है. वैसे तो ये कलर बहुत ही चीपेस्ट है, यूज़ करने के लिए बहुत ही बेहतर है. सो इस कलर का क्वालिटी कैसा है और ये कलर कैसा होता है अगर इसे यूज़ किया जाए कि नहीं प्रोफेशनल ड्राइंग में, तो इस ड्राइंग में आपको अच्छे से बता दूंगा इस कलर के बारे में. सो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और बेल आइकन पर क्लिक करना, जिससे हमारा कोई भी न्यू वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मूवमेंट लेट्स स्टार्ट द वीडियो. है मेरे वतन के लोगों, जरा याद करो वो वाणी. आज के वीडियो में जिनके बारे में बात करने जा रहा हूं आप समझ गए होंगे, लेकिन इनकी जीवन यात्रा इतनी आसान नहीं थी. पतली आवाज है तुम्हारी, तुम कुछ कर नहीं पाओगी, गा नहीं पाओगी, ऐसा बोल दिया गया. ईश्वर ने भी परीक्षा ली जब ये मात्र 13 वर्ष की थी. इनके पिताजी को अपने पास बुला लिया. 33 वर्ष की जब थी, इन्हें जहर देकर के मारने की कोशिश की गई, लेकिन तमाम चुनौतियों को पार करते हुए भारत रत्न बनी लता मंगेशकर जी, जिन्होंने इतनी सारी बाधाओं को पार किया लेकिन हार नहीं मानी. लता जी ने अपनी जीवन यात्रा में तकरीबन 50,000 गाने गाए. लता मंगेशकर जी के पिता दीनानाथ मंगेशकर साहब, जो कि एक ड्रामा कंपनी चलाते थे, घर में जब बड़ी बेटी का जन्म हुआ तो नाम हेमा रखा था. लेकिन उस ड्रामा कंपनी का एक ड्रामा था, नाम था भाव बंधन, और उस नाटक में एक किरदार थी लतिका. वो लतिका नाम पिताजी को इतना पसंद आया कि उन्होंने बेटी का नाम हेमा से बदलकर लता रख दिया. लता जी की जीवन यात्रा में संघर्ष है, लता जी की जीवन यात्रा में रोमांच है, सीखने के लिए काफी कुछ है. आइए बात करते हैं 5 लर्निंग्स फ्रॉम लता मंगेशकर जी. लता मंगेशकर जी ने 50,000 से ज्यादा गाने गाए, वो महान थी, लेकिन महान ऐसे ही नहीं बन गई. बहुत मेहनत करनी पड़ती है महानता का शिखर छूने के लिए. पहली बात जो लता जी की जीवन यात्रा से सीखने को मिलती है, रिजेक्शन अगर आपको मिले, अगर आपको कोई रिजेक्ट करे, तो आपको अफसोस नहीं मनाना है कि मेरे साथ ये क्या हो गया, बल्कि आपको और मेहनत करनी है और खुद पर सुधार करना है, संवर करके बाहर आना है. लता जी को अपने जीवन में यह भी सुनने को मिला कि तुम्हारी आवाज बड़ी पतली है, तुम गायक बन ही नहीं सकती, तुम गायिका बन ही नहीं सकती. दिलीप कुमार स्टारर एक मूवी थी शहीद, जिसमें एस मुखर्जी साहब ने लता जी की आवाज को रिजेक्ट कर दिया था. पहले तो बड़ी ध्यान से सुना, उसके बाद उन्होंने कहा कि बड़ी पतली आवाज है, तुम्हारा गाना नहीं रखेंगे. उसके बाद में गुरु गुलाम हैदर साहब लता जी को काम दिलवाने के लिए लगातार कोशिश कर रहे थे और लता जी का गाना दिलीप साहब को सुनवाया, तो दिलीप साहब ने भी कह दिया कि भाई तुम्हारी जो गायकी है, तुम जो गा रही हो, उसमें शब्दों का उच्चारण सही नहीं है, ऐसा लग नहीं रहा है कि तुम हिंदी भाषा में गा रही हो, कहीं ना कहीं दूसरी भाषाओं का टच भी उस गाने में सुनाई दे रहा है. इतना सब जब सुना लता जी ने, तो ऐसा नहीं सोचा कि अरे मेरा तो काम रिजेक्ट कर दिया गया, मुझे तो मौका ही नहीं दे रहे, बल्कि लता जी ने शब्दों का उच्चारण और ठीक करने के लिए मेहनत की. अपनी आवाज की वजह से तो आज जानी गई है, क्योंकि गुरु गुलाम हैदर साहब ने कहा था कि देखना एक दिन लता जी के लिए, उन्होंने कहा था कि देखना एक दिन हर फिल्म मेकर इस लड़की के कदमों में होगा, रिक्वेस्ट कर रहा होगा कि प्लीज आप अपना गाना मेरी मूवी के लिए गा दीजिए. और बाद में ठीक वैसा ही हुआ, जिस मूवी में लता जी का गाना होता था वो मूवी सुपर डुपर हिट होती थी. तो ये जो पहली बात है, यही सिखाती है कि लाइफ में अगर रिजेक्शन मिले तो ये मत सोचना कि मेरा क्या होगा, ये सोचना कि मुझे क्या सुधारने की जरूरत है, किस तरफ मेहनत करने की जरूरत है. किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जो जहाज तूफान पार करते हैं लोग उन्हीं को याद रखते हैं. सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और कमेंट भी कर सकते हो अगर आपकी इच्छा हो तो. मैं इस कलर के बारे में आपको बता देना चाहता हूँ कि ये कलर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और ये प्रोफेशनल यूज़ आप कर सकते हो इसका. मीन्स आप कोई भी ब्रश आप पेंसिल का यूज़ करते हो तो आपको जैसे कि पहले ही पता चल जाता है कि यूजबल है कि नहीं, मतलब किस टाइप का, अगर आप यूज़ कर चुके हो पहले भी तो. मैं जो ये यूज़ किया हूँ ये बहुत ही बेहतर कलर है और इसका प्राइस भी बहुत कम है, 100 रुपीज़ है. मार्केट में आपको 90-80 रुपीज़ में मिल जाएगा. आप ये यूज़ कर सकते हो, ये बहुत ही अच्छा कलर है. थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़.